जय श्री राम जय श्री राम। हरि भक्ति भैया, हरि भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है। परमात्मा सब भक्तों के हृदय में निवास करते हैं और हृदय में निवास करने के बाद वो किस प्रकार आश्रय देते हैं। भगवत गीता ज्ञान में प्रभु कहते हैं, भक्त लोग जिस प्रकार से मेरा भजन करते हैं, जिस प्रकार से मेरा चिंतन करते हैं, जिस प्रकार से मेरी शरण होते हैं, मैं उसी प्रकार उन्हें आश्रय देता हूं। यानी कि भक्त लोग मेरे जिस भाव का चिंतन करते हैं, मैं उसी भाव में प्रकट होकर उन्हें आश्रय देता हूं। भगवद गीता में प्रभु कहते हैं, चार प्रकार के भक्त चार प्रकार से मेरा भजन करते हैं, चार प्रकार के भक्त मेरा भजन करते हैं, आठ भक्त अर्थार्थी भक्त, जिज्ञासु भक्त और ज्ञानी भक्त। आठ भक्त और अर्थार्थी भक्त मेरे सकाम भक्त हैं, संकट निवारण के लिए और धन प्राप्ति के लिए मेरा भजन करते हैं। जिज्ञासु भक्त अपने आप को जानने के लिए, आत्मस्वरूप को, आत्मा को जानने के लिए मेरा भजन करते हैं। किंतु ज्ञानी भक्तों बिना किसी इच्छा के प्रेमी भक्तों के मेरा भजन करते हैं और वही मेरे सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं, वे मेरी पराभक्ति करते हैं। प्रभु कहते हैं, सकाम भक्त को मैं धन प्राप्ति करवा देता हूँ, संकट निवारण करवा देता हूँ, सब कुछ करवा देता हूँ, लेकिन सब दुखों का नाश मैं उनका नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि वो जिस शरीर में रहते हैं, जिस संसार में रहते हैं, वो शरीर संसार विकार युक्त है और वो शरीर और संसार विकार युक्त होने के कारण मैं उन्हें सब दुखों से मुक्त नहीं कर पाता हूं। वो सकाम भक्त है मेरे। और यदि सब दुखों से मुक्त होना है तो मेरी पराभक्ति करनी पड़ेगी। पराभक्ति, अनन्य भक्ति, निष्काम भक्ति, मेरे तो गिरधर गोपाल ध्वजाना को इस प्रकार परमात्मा की पराभक्ति करनी पड़ेगी। और पराभक्ति के लिए परमात्मा को जानना आवश्यक है और अपने आप को जानना आवश्यक है, अपने आत्मा को जानना आवश्यक है। जब तक हम आत्मा को नहीं जान पाएंगे तब तक हम परमात्मा की पराभक्ति नहीं कर पाएंगे, तब तक हम ज्ञानी भक्त होकर परमात्मा की भक्ति नहीं कर पाएंगे। हमें पता होना चाहिए कि हम सब आत्मा हैं, उसी परमात्मा का अंश है जो सब कुछ है, जिसके सिवा कुछ भी नहीं है, जिसके सिवा पत्ता भी नहीं मिलता है, हम उसी परमात्मा के अंश हैं। इस प्रकार जानकर यदि हम आत्मा में स्थित हो जाएं, तो हम परमात्मा के साथ अपनी एकता का अनुभव कर सकते हैं, परमात्मा का साक्षात्कार कर सकते हैं, परमात्मा की पराभक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। भगवान कहते हैं, नैनम चिंदंती शस्तानी नैनम धैति भावका ना चैनम कदंते आपको ना शोषित मानता। आत्मा को ना तो शस्त्र काट सकते हैं, ना ही अग्नि जला सकती है, ना ही जल जला सकता है, ना ही वायु सुखा सकती है। तो सोचिए, जब आत्मा अजर है, अमर है, नुकसान रहित है, कोई भी आत्मा का नुकसान नहीं कर सकता, तो हम क्यों व्यर्थ चिंता करते हैं, क्यों व्यर्थ डरते हैं? इसका मतलब हम जानते ही नहीं आत्मा को, हम आत्मा को महत्व ही नहीं देते हैं, हम शरीर को ही महत्व। यदि हम आत्मा को ही महत्व दें तो हमारा कल्याण हो जाए। उदाहरण के साथ समझाने की कोशिश करता हूं। यदि हम बीमार होते हैं तो इस बात को तीन प्रकार से, मैंने पिछली बार भी कहा था, दोबारा कहूंगा, बहुत महत्वपूर्ण है। यदि हम बीमार होते हैं तो इस बात को तीन प्रकार से कह सकते हैं। यदि हम कहते हैं मैं बीमार हूं, तो हम आत्मा को नहीं जानते हैं, केवल शरीर को जानते हैं और अब बीमारी के दुखों से युक्त हो जाते हैं। दूसरा, यदि हम कहते हैं मेरा शरीर बीमार है, इसका मतलब हम जानते हैं कि शरीर के अलावा कोई और तत्व है आत्मा, लेकिन हम इसको भली भांति नहीं जानते हैं। हम नहीं जानते हैं कि आत्मा तो शरीर से परे है, शरीर से कोई संबंध नहीं है, यह नहीं जानते। इसीलिए तो कह रहे हैं मेरा शरीर, मेरा शरीर, मेरा शरीर, और आत्मा को जानते हुए भी बीमारी के दुखों से युक्त हो जाते हैं। यदि हम कहते हैं कि यह शरीर बीमार है, तो हम जानते हैं कि शरीर के अलावा कोई और तत्व है जिसका शरीर से कोई संबंध नहीं है, जो शरीर से
बिल्कुल परे है, निर्गुण है, अविनाशी है। शरीर इसकी तरह निर्गुण अविनाशी नहीं है, और वह जान जाते हैं कि हम आत्मा हैं, तभी कहते हैं यह शरीर बीमार है, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, और वो बीमारी के दुखों से मुक्त हो जाते हैं, वो अनुभव करते हैं आत्मा का। यदि हम इसी प्रकार आत्मा में रमन करने वाले हो जाएं, आत्मा का अनुभव करने वाले हो जाएं, आत्मा की शरण हो जाएं, तो हम भय चिंता शोक से मुक्त हो जाएंगे, सब आनंद से परिपूर्ण हो जाएंगे, परमात्मा के साथ अपनी एकता का अनुभव कर पाएंगे, परमात्मा की पराभक्ति को प्राप्त हो पाएंगे, और यही हमारे जीवन का लक्ष्य है। सकाम भक्ति हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं है, सुख शांति प्राप्त करना हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं है, पराभक्ति को प्राप्त होना हमारे जीवन का लक्ष्य है। मेरे तो निर्भर गोपाल दूजा ना कोई, इस प्रकार परमात्मा की पराभक्ति प्राप्त करना ही हमारे जीवन का लक्ष्य है, और आत्मा में स्थित होकर ही परमात्मा की पराभक्ति को प्राप्त किया जा सकता है। प्रभु कहते हैं सब दोमान प्रत्यजय माँ में कम शरण ब्रज एहन तो असा पापे प्यो मोक्षिष्यामी माँ सुचा, यानी कि तू सब धर्मों का आश्रय छोड़ दे, क्या करना है क्या नहीं करना है, अच्छा क्या है बुरा क्या है, पाप क्या है पुण्य क्या है, सुख क्या है दुख क्या है, हार क्या है जीत क्या है, लाभ क्या है हानि क्या है, तू सबका आश्रय छोड़ दे, केवल मेरी शरण हो जा, तुझे सब दुखों से मुक्त कर दूंगा। प्रभु गारंटी दे रहे हैं दुखों से मुक्त होने के लिए केवल परमात्मा की शरण में होना है। मैं परमात्मा का हूं, मैं परमात्मा, परमात्मा मेरे हैं, मैं संसार का नहीं हूं, संसार मेरा नहीं है, इस प्रकार परमात्मा की शरण में होना है। गीता का अंतिम श्लोक है यत योगेश्वर कृष्ण यत पार्थो धनुतरा तत् श्री विजय भूति ध्रुवा नीति मतिर्मा, यानी कि जहां भगवान श्री कृष्ण अर्जुन जैसा भक्त है वही श्री है, यानी कि शोभा है, वही विजय है, वही विभूति है, और वही नीति है, यानी कि जहां प्रभु है, जहां प्रभु का आश्रय है वहां सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक होगा, जहां केवल संसार का आश्रय है वहां कुछ भी ठीक नहीं है, कुछ भी ठीक नहीं होगा। आंखों से आंसू बहाऊं क्यों, किसी और को अपना बनाऊं क्यों, जब तुम्हें बसाया है दिल में किसी और को दिल में बसाऊं क्यों, हाथों को फैलाया है तुम्हारी ओर हाथों को फैलाऊं कहीं और क्यों, सर को झुकाया है तुम्हारी ओर सर को झुकाऊं कहीं और क्यों, नैन से नैन मिलाए सावरिया तुमने हमसे है नैन से नैन चुराए क्यों। इस प्रकार परमात्मा की पराभक्ति ही करनी है, यही हमारे जीवन का लक्ष्य है। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।